1, 2, 3. सो हे YouTube फैमिली, स्वागत है आप सभी का एक और नए फ्रेश एपिसोड के साथ। तो गाइज, अभी मैं आया हुआ हूँ हिमाचल के तीर्थन वैली में। है एक सबसे बड़ा मतलब पार्क जिसे द हिमालयन पार्क के नाम से जाना जाता है, हिमालयन पार्क। और फिलहाल यहाँ की टिकट देख लो, मैंने लिया ओनली 20 रुपीज़ की टिकट है, जैसा कि अपने जयपुर में भी सेम वही होता है। और यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ों के बीच में पूरा घिरा हुआ सा पार्क है। सच में मज़ा आ गया। और ये एंटर होते देख लो सामने ये है ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट, क्या बात है। और इस जगह से टिकट लेनी होती है। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क 23 जून 2014 में ओपन हुआ था ये। वाह, काफ़ी पुराना है। यहाँ के कल्चर को शायद रिप्रेजेंट कर रही है ये, देखो। वाह, कितने प्यारे बनाए हुए यार। और आई थिंक यहाँ पे ड्रोन अलाउड नहीं है, तो थोड़ा सा अपन ट्राई करते हैं ड्रोन शॉट्स लेने की। अगर ड्रोन शॉट्स का हो गया तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा। बाकी पीछे से देख लो पूरा, कितना प्यारा पार्क है यार। सच में द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, वाह। क्या भैया ड्रोन शॉट्स का है अबे? ऊपर चलो ठीक है, यहाँ पे चार्जेस ले लेते होंगे ना। 35,000 3500 की पर्ची तो पता नहीं चलेगा इनको, दो ना अभी अपन लेंगे तो। यहाँ पे ओनली घूमने के हिसाब से, घूमने के लिए सारा रात जो भी आते ना, हाँ हाँ घूमने के हिसाब से। अच्छा, पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ है। जब स्नो पड़ता है बहुत अच्छे मजा आते हैं। तो इस बार स्नो लेट हो गई क्या? इस बार स्नो लेट हो गई। अच्छा, पिछली बार मतलब कब तक हो गई थी? पिछली बार पड़ गई थी, अभी के लिए अब तक हो गई थी। दो बार पड़ती थी, इस बार पड़ी नहीं, बारिश कम पड़ी, पिछली बार भी कम पड़ी। तो संक्रांत लोहड़ी तक हो जाएगी क्या? लोहड़ी तक हो सकता है, साल तक है। अच्छा, चलो देखते हैं। हाँ। हो जाए तो अच्छा है यार, मैं तो उसी के लिए आया हुआ हूँ जयपुर से। यहाँ पे भी ट्रैक करके जाना पड़ता है दूर तक। हाँ, इधर से जाए या इधर से? सीधे चल लो, इधर से सही है, इस चेयर से तो काफ़ी ज़्यादा थक जाएंगे। अच्छा, ऊपर है बैठने के लिए। हाँ हाँ, पर अपन तो ड्रोन शॉट्स दिखाएंगे अच्छे अच्छे। वैसे ये गलत है यार, है ना, लोकल से तो पैसे लेना ही नहीं चाहिए। हाँ सही है, 20 रुपये में क्या जा रहा है, लोकल से भी पैसे लेने लग गए। हर जगह बिजनेस स्टार्ट हो गया है, कहीं भी एंट्री लो 20 रुपये 10 रुपये, पता नहीं क्या क्या यार। हमारे जयपुर में भी ऐसा ही है। हाँ सही है, सिर्फ उस जहाँ जिसका एरिया है उसी एरिया का फ्री है, यहाँ के लोकल बंदे होना फिर। अच्छा अच्छा, इधर इधर के आसपास के ना, इधर आसपास के, बाकी तो सबके पैसे है। 2014 में बना था ये। यहाँ पे क्राउड नहीं आता क्या ज़्यादा, मतलब टूरिस्ट वगैरह आते होंगे? दिन आते, मई जून गर्मी में आते, बड़े गर्मी में आते, गर्मी में पूरा पैक होता है। अभी जाएगा जब भाई दिवस स्नो पड़ेगा तब। अच्छा, इस स्नो पहले नहीं आएगा। मैंने सोचा न्यू ईयर पे ज़्यादा आते होंगे। न्यू ईयर में आते थे, अगर स्नो पड़ा था। अभी आगे एक्सीडेंट हो गया था ना एक ऊपर वाला। हाँ हाँ, उसके बाद से टूरिस्टर कम हो गए, अबे मेरे को बता रहे थे एक्सीडेंट की वजह से। देख लो ये है क्या, द फ्रेंड्स एंड हिमालयन नॉर्थ। मुझे तो मुर्गे लग रहे, जंगली मुर्गे। अपने मस्त सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, रॉक एंड रोज। तो ये यहाँ पे अभी भी है क्या ये सारे जानवर? नहीं नहीं मिले हमको। हाँ, अभी अपन को देखा, सुबह शाम मिल जाते हैं ना। अच्छा अच्छा, उधर क्या है वो सजवाड़ है, क्या है सजवाड़, उधर तो लेपर्ड वगैरह भी मिल जाते। हाँ ये मोर वाला। हाँ ये तो मोर है। अच्छा अच्छा,
यहाँ से ऊंचाइयों में जाइए, मतलब काफी दूर जाने के बाद तो कोई सा भी जानवर मिल सकता है ना। हाँ। मेरा फ्रेंड है, उसको लेपर्ड दिख गया था। वैसे कुछ करता नहीं है, अगर डरोगे नहीं तो। ऐसे नहीं करता ना। नहीं नहीं, हाँ कुछ नहीं करेगा, क्या ही करेगा। अगर डर ही जाओगे तो फिर तो वो खुद भी मौका देना पड़ता है। अभी तो बिल्कुल खाली पड़ा ही है ना। अब हो गया टाइम ही है, 4 बजे 5 बजे तो बंद ही है। 5 बजे बंद हो जाता है? 5 बजे खुलता कितनी बजे? 9 बजे 9 से 5। सही है, टाइमिंग तो सही है। ऊपर ब्रिज है? नहीं, घूमने के लिए यहाँ से आगे तक। अच्छा, सस्पेंशन ब्रिज, ब्रिज पे चलता है, ब्रिज पे। Not more than 7 people at it one time, a time. 7 लोगों से ज़्यादा नहीं जा सकते इस पर ना? नहीं जा सकते, तो कच्चा है ना। अच्छा, कच्चा है। हिमालयन थार यहीं से ले ले, यहाँ से अच्छा आएगा। पूरे रिवर का व्यू आ जाएगा, इधर पहाड़ दिखे जाएंगे। बस नीचे आवाज जाते ही तो उन्हें पता चल जाता ना कि बोले कोई ना कोई काम चल रहा है। आते थोड़ी है वैसे ऊपर, दिन को आते देखने वो कोई शराब लूट नहीं पी रहे। अच्छा, शराब वगैरह के लिए अभी तो कोई नहीं आएगा ना, जाने का टाइम हो गया। क्या बात है। लेट्स, अब देखो आप लोग ड्रोन शॉट्स, 1 2 3। कैसे लगे आप सभी को पूरे ड्रोन शॉट्स, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बाकी फर्स्ट टाइम मेरा ड्रोन शॉट्स के साथ ब्लॉग आया है, तो इसको बहुत सारा शेयर करो और बहुत सारा प्यार दो। बाकी काफ़ी पुराना और अच्छा नेशनल पार्क है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। देखो जिसके मैं बात कर रहा था ना, लेपर्ड भाई, ये मेरे को तो अभी भी सच में ऐसा लग रहा था कि मेरे जस्ट सामने आ गया। मेरा दिल एक सेकेंड के लिए तो रुक गया था, और कोई ना, ये तो ओनली बनाया हुआ है। कितना बड़ा पार्क है यार। ये इस साइड चिल्ड्रंस जोन है, पर मेरा इधर कोई काम नहीं है, पर फिर भी मैं जाऊंगा। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। क्योंकि मेरे व्लॉग्स कई बच्चे भी तो देखते हैं ना, उनके लिए भी तो अब हिमाचल में कुछ अच्छा सा एक्सप्लोर करूँ ना। देख रहे हो बच्चे, कोई से बच्चे देख रहे? चलो, लव यू। देखो आप सभी के लिए यहाँ पे झूले रखे हुए, पर इतने कोई वो नहीं है कि यहीं पे बैठे बैठे मस्त खेलते रहो। वैसे इतना कुछ है नहीं यार, जितना लोगों ने यहाँ पे हाइप बना रखी थी ना कि हिमालयन नेशनल पार्क ऐसा है वैसा है, बस इतना है कि काफ़ी ज़्यादा पहाड़ों के बीच में है और जानवर आ सकते हैं। डरा दिया क्या मैंने? मैं खुद डरा हुआ हूँ, इसलिए मैं आपके साथ आप सभी के साथ भी ये सब शेयर कर रहा हूँ। कोई ना, जैसे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे काफ़ी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, बस घूमने के लिए अच्छा है ना। घूमने के लिए अच्छा है। हाँ, ठंडा ठंडा है, गर्मी भी ऐसा ही रहेगा आपको, क्योंकि यहाँ जंगल है ना। हाँ हाँ, पहाड़ों के बीच में रहेगी, फिर नदी नज़दीक है। हाँ हाँ, ये रिवर की वजह से थोड़ा ठंडा है। हाँ, रिवर की वजह से। चलो आजकल तो मौसम ठंडा ही है अभी तो। हाँ, विंटर से गर्मी होता है, यहाँ बड़ा आनंद बैठने का। अच्छा, गर्मियों में भी ठंडा रहता है? ठंडा रहता मौसम। अच्छा, इसीलिए लोगों को अच्छा लगता है ना। अभी कहाँ चल रहा है? रायकुटीर सीधा होटल। हाँ, रायकुटीर। चलो होटल चलते। चिपको आंदोलन, ये मैंने बचपन में काफ़ी पढ़ा है भाई, काफ़ी इसके बारे में काफ़ी सुना है मैंने। ये जैसे पेड़ को पकड़ रही है ये। हाँ हाँ, काट रही है, वो नहीं मैंने काटना। अच्छा अच्छा, ये काटने नहीं दे रही जैसे। हाँ, अब सीधा चलते हैं अपन होटल पे। और लोकेशन कैसी लगी आप सभी को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप। हाँ हाँ हाँ, गोलू 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 गोलू। तो कैसा लगा गाइज आप सभी को द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, हिमाचल का सबसे बड़ा पार्क है। हिमाचल का क्या सबसे बड़ा ही है, मैंने तो जहाँ तक सुना है। इसको देखो मेरे साथ खेल रही है। और मैंने कपड़े इसलिए चेंज कर लिए क्योंकि मैं नहाया था आज दिन में, अभी आके जस्ट
बताने की बात नहीं है, लेकिन फिर मैं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। हो, बाकी सब सो रहे हैं और मैं अकेला ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। बाकी ड्रोन शॉट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अच्छे लगे तो बहुत सारा प्यार देना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और हाँ, पहले के ब्लॉग्स कैसे लगे आप सभी को? अभी मैंने रिसेंटली वो वाला डाला हिमाचल की नाइट लाइफ वाला, तो वो बताओ कैसा लगा। नहीं देखा है तो जाके देखो, और देख लिया है तो बहुत सारा प्यार दो। बाय बाय।